am more educated than you. आपन बेइज्जती बर्दाश्त करतानी सन सिर्फ और सिर्फ एक खातिर कि ई घर के प्रतिष्ठा बनल रहे और तोहार पापा जी के मान सम्मान बनल रहे। तहार एक एक रुपया और तहार दहेज हम रिटर्न कर देब। अब जब तक दोनों के खाना बना के ना खिया देब ना, तब तक पानी की एक बूंद ना पिया। रउआ लोग बढ़िया से केयर कईनी, यही से सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई। मुश्किल वो हमार सास ससुर जेठ जेठानी हलो, तो हम ही घर की हम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को रिलीज कर चुका है बट दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज नहीं है। लेकिन दोस्तों कहाँ रिलीज किया गया, कैसे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, पूरी दिन काटेंगे डिटेल से। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का फुल रिव्यू करने वाले हैं, तो आप लोग सीखिए कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बता दें इस फिल्म में स्टार कास्ट के रूप में अंजना सिंह, यामिनी सिंह, अविनाश शाही, राकेश बाबू, संतोष श्रीवास्तव, प्रेम दुबे, कुंचन मिश्रा, सोनाली मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, रागनी और सुरेश यादव, गोपाल चौहान, अन्य कई सारे कलाकार मिलकर इस फिल्म में दोस्तों स्टार कास्ट के रूप में काम करते दिख रहे हैं, जो कि दोस्तों भोजपुरी के सुपर पर हिट फिल्म बड़े घर की बेटी होने वाली है। और दोस्तों ये पारिवारिक मूवी है, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। दोस्तों आप लोग किस प्रकार से देख पाइएगा, वह भी दोस्तों मोबाइल से अपने अपने घर बैठे अभी कभी तुरंत। तो चलिए दोस्तों आप लोग को बताते हैं। दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर खोल लीजिएगा और दोस्तों वहाँ से दंगल प्ले ऐप को सर्च कर लीजिएगा, दंगल प्ले ऐप को सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और दोस्तों वापस से दंगल प्ले ऐप पर जाइएगा और वहीं दोस्तों भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम है दोस्तों बड़े घर की बेटी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और दोस्तों पूरा HD और पूरा परिवार के साथ। तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। चलिए दोस्तों आप लोग बताते हैं इस फिल्म का निर्देशक कौन है और कॉन्सेप्ट क्या है, कथा पटकथा व संवाद कौन है, संगीत क्या है, गीतकार क्या है, अन्य कई सारे कलाकार कौन कौन से इस फिल्म में दोस्तों काम किए हैं। चलिए दोस्तों आप लोग बताते हैं विस्तार से। दोस्तों आप बता दें इस फिल्म में निर्देशक जो है संजीव भोरापी जी करते हैं दिख रहे हैं, और दोस्तों कॉन्सेप्ट जो दिए हैं संदीप सिंह जी दिए हैं। कथा पटकथा व संवाद का बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी इस फिल्म का दोस्तों कथा पटकथा व संवाद का काम करते नजर आ रहे हैं, और दोस्तों संगीत ओम झा जी दिए हैं। और गीतकार का बात कर ले तो दोस्तों गीतकार इस फिल्म दोस्तों अरविंद तिवारी जी ही किए हैं, जो दोस्तों अरविंद तिवारी जी काफी शानदार दोस्तों गीतकार है और कई सारे फिल्म दोस्तों अरविंद तिवारी जी काम करते दिख रहे हैं। और दोस्तों आप लोग बता दें इस फिल्म में भी दोस्तों अरविंद तिवारी जी गीतकार के रूप में काम किए हैं, और गायक संध्या सरगम, विकास शंकर, शिल्पी राज, ममता राउत और दोस्तों प्रियंका सिंह जी इस फिल्म में दोस्तों गायक का काम किए हैं, जो कि दोस्तों ये सभी कलाकार एक हिट कलाकार है और दोस्तों इनके सभी गाने दोस्तों हिट होते हैं और दोस्तों ट्रेंडिंग में रहते हैं, जिसके कारण दोस्तों इस फिल्म में दोस्तों गायक के रूप में काम किए संध्या सरगम और विकास शंकर, शिल्पी राज, ममता राउत, प्रियंका सिंह, जो कि दोस्तों सभी कलाकार एक हिट मशीन है और दोस्तों ये सभी हिट सॉन्ग गाते हैं। और दोस्तों भोजपुरी के सुपर डुपर हिट सॉन्ग ये सभी दोस्तों पॉपुलर सिंगर है, और दोस्तों कई सारे गाने दोस्तों इस फिल्म का आप लोग को पारिवारिक देखने के लिए मिलेगा, और दोस्तों पूरा परिवार के साथ सुन सकते हैं, देख सकते हैं और दोस्तों आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग डर से देखिए इस फिल्म को। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म का जो छायांकन है विजय मंडल जी करते नजर आ रहे हैं, और कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम जी यानी दोस्तों दोनों मिलकर दोस्तों इस फिल्म में कोरियोग्राफर का काम किए हैं, संकलन धर्म सोनी जी करते दिख रहे हैं। और कला का बात कर ले तो अंजनी तिवारी जी इस फिल्म का दोस्तों कला का काम किए हैं, पोस्ट प्रोडक्शन बॉलीवुड से किया गया है। और टेलर DI कलरिस्ट की बात कर ले तो धर्म सोनी जी इस फिल्म का दोस्तों टेलर DI कलरिस्ट का काम किए हैं, जो कि दोस्तों धर्म सोनी जी काफी सारे फिल्म में दोस्तों टेलर DI कलरिस्ट का काम करते नजर आ रहे हैं, और दोस्तों इस फिल्म का दोस्तों ये कलरिस्ट का काम किए हैं, जो कि दोस्तों धर्म सोनी जी काफी शानदार दोस्तों कलरिस्ट रह चुके हैं। दोस्तों कई सारे फिल्म का दोस्तों ये टेलर DI कलरिस्ट का काम कर चुके हैं। दोस्तों पासवर्ड संगीत मिक्सिंग का बात कर ले तो प्रियांशी राज जी इस फिल्म का दोस्तों पासवर्ड संगीत और मिक्सिंग का काम किए हैं, जो कि दोस्तों भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म है ये बड़े घर की बेटी, तो आप लोग जरूर से देखिएगा, जिसके दोस्तों पासवर्ड संगीत और मिक्सिंग प्रियांशु राज जी करते नजर आ रहे हैं। और दोस्तों प्रियांशु राज जी काफी सारे फिल्म का दोस्तों मिक्सिंग कर चुके हैं, और दोस्तों संगीत का भी मिक्सिंग कर चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म का भी दोस्तों मिक्सिंग प्रियांशु राज जी ही किए हैं। निर्माता संदीप सिंह जी हैं, अंजनी तिवारी, नीलाभ तिवारी यानी दोस्तों तीनों मिलकर इस फिल्म का दोस्तों निर्माता है, और म्यूजिक सैटेलाइट और डिजिटल पार्टनर बिफोर यू भोजपुरी के दोस्तों यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर चुका है, जो कि दोस्तों अभी तक 4 मिलियन प्लस व्यूज आ चुका है ट्रेलर पर। और दोस्तों ट्रेलर देख के पता चल जाएगा किस प्रकार दोस्तों मूवी होने वाला है और दोस्तों किस तरह से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को बताए दिए हैं दंगल प्ले ऐप पर दोस्तों इस फिल्म को अपलोड कर चुका है, दोस्तों वहाँ से दंगल प्ले ऐप पर आप लोग जाइएगा प्ले स्टोर पर से इंस्टॉल करके, और दोस्तों दंगल प्ले ऐप पर आप लोग देख सकते हैं, जो दोस्तों भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म है। दोस्तों यदि आप लोग यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो कुछ दिन का वेट कीजिए, आप लोग को दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि दोस्तों पूरा HD के साथ और दोस्तों बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों यूट्यूब पर बिफोर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ट्रेलर भी है, और दोस्तों कई सारे सॉन्ग भी रिलीज कर चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म का जो फिल्म आने वाला दोस्तों बिफोर यू भोजपुरी का यूट्यूब चैनल पर ही दोस्तों फिल्म भी आने वाला है, जो दोस्तों कुछ दिन के बाद दोस्तों फिल्म को भी रिलीज करने वाला है। तो आप लोग जैसे देखेगा बिफोर यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों आप लोग को बताते हैं किस तरह से आप लोग को इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगा, और दोस्तों कौन कौन से कलाकार कौन कौन से सीन लिए हैं, और दोस्तों किस तरह का किरदार निभाते नजर आ रही है। तो आप लोग को बता दें इस फिल्म जो है
अंजना सिंह एक बहू का किरदार निभाई है और दोस्तों यामिनी सिंह भी एक बहू का ही किरदार निभाई है। लेकिन दोस्तों कैसे निभाई है, किस तरह से निभाई है, आप लोग को बताते हैं दोस्तों विस्तार से। दोस्तों बता दें अंजना सिंह का पहले ही शादी हो रखा होता है और दोस्तों अंजना सिंह का जो देवर जो होते हैं इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को बता दें देवर से दोस्तों यामिनी सिंह का शादी होते हैं और दोस्तों कई धूम मचाते हुए दोस्तों शादी होते हैं और दोस्तों यामिनी सिंह के द्वारा 11 लाख रुपये दहेज में दिया जाता है अंजना सिंह के देवर को। और दोस्तों जिसके कारण दोस्तों यामिनी सिंह एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यामिनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यामिनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है जो हम 11 लाख रुपये दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यामिनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी की सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी की सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी की सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यामिनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यामिनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यामिनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यामिनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यामिनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यामिनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यामिनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यामिनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यामिनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यामिनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेंगे इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यामिनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यामिनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है जो हम 11 लाख रुपये दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यामिनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी की सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी की सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी की सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यामिनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यामिनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यामिनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यामिनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यामिनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यामिनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यामिनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यामिनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यामिनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाके यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाके यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सपोर्ट पर हेट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सपोर्ट पर हेट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हेट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हेट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हेट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में, और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है। और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में, और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों फैमिली सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यावनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यावनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यामिनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यामिनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यामिनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यामिनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यामिनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यामिनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यामिनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यामिनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यामिनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यावनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यामिनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यामिनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यामिनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यामिनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यामिनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यामिनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यामिनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यामिनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यामिनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी कि दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम है दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी सारा दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी कि दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम है दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम है दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी सारा दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी सारे दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी सारे दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सपोर्ट पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सपोर्ट पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी सारे दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है। और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी सारे दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी कि दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है, और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है, और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी सारा दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में, और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं, और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी कि दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है, और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी सारा दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में, और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं, और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा। यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा। यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सपोर्ट पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया ऐसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाके यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सपोर्ट पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया ऐसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाके यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सपोर्ट पर हेट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सपोर्ट पर हेट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हेड फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी सारे दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी सारे दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों फैमिली सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाके यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी सारे दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाके यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी सारे दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी कि दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है। और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी सारे दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी सारे दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी कि दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है, और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना, और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है, और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी सारा दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में, और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं, और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना, और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है, और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी सारा दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में, और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं, और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है जिसके कारण दोस्तों यमनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते हैं उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया ऐसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते हैं उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया ऐसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाके यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज देकर के आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाके यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी कि दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाके यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी सारा दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी कि दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाके यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ, और काफ़ी सारा दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सास ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है।
और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है और फिर दोस्तों यमुनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर पर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को एक रईस खानदान से बिलोंग करते दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह अंजना सिंह के देवर को एंड दोस्तों इनके सासू ससुर को 11 लाख रुपये देते हैं। और फिर दोस्तों यमुनी सिंह शादी करके अपना ससुराल जाती है और दोस्तों वो वहाँ दोस्तों मालिक बनने का प्रयास करती है, यानी दोस्तों कोई भी काम नहीं करती है और दोस्तों ताना मतलब मारती है, जो हम 11 लाख रुपए दहेज दे करके आए हैं काम करने नहीं बल्कि दोस्तों बैठ के खाने। इसी प्रकार दोस्तों डायलॉग है और कई सारे फिल्म दोस्तों आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा अंजना सिंह और यमुनी सिंह, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में एक अलग अंदाज भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी, इस फिल्म में दोस्तों आप लोग को नोक झोंक काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को जरूर से देखने के लिए आप लोग को मिलेगा भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म दंगल प्ले ऐप पर। और दोस्तों यूट्यूब पर भी देखने के लिए आप लोग को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिन का वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब पर भी रिलीज करने वाला है भोजपुरी के सुपर डबर हिट फिल्म जिसका नाम दोस्तों बड़े घर की बेटी। दोस्तों बता दिए यमुनी सिंह मतलब दोस्तों सोशल मीडिया से जुड़ी रहती है और दोस्तों यमुनी सिंह इस फिल्म में सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आप लोग को बता दें एक रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये इनको दोस्तों तमीज़ नहीं होते उनके उतना। और दोस्तों ये सभी इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया है सबसे जुड़ कर दोस्तों वीडियो बनाती है और दोस्तों अपने छत पर जाकर यानी दोस्तों ससुराल में छत पर जाती है और वहाँ दोस्तों डांस करके वीडियो बनाती है। और दोस्तों फिर जब इनके ससुराल वाले देखते हैं तो फिर इनको ताना मारते हैं और दोस्तों काफ़ी मतलब उस टाइम दोस्तों लड़ाई झगड़ा होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में अंजना सिंह लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आती है इस फिल्म में यमुनी सिंह के साथ और काफ़ी शानदार इस फिल्म को बनाया गया है, जो कि दोस्तों एक पारिवारिक फिल्म है, जिसके कारण दोस्तों यमुनी सिंह बोलती है जो हम चले जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। और फिर दोस्तों अंजना सिंह आपको बताते जब ये यमुनी सिंह अपने पिताजी को बुलाते हैं और दोस्तों उस टाइम बोलती है जो हम नहीं रहेंगे यहाँ और हम अपने मतलब चले जाएंगे घर, तो अंजना सिंह उस टाइम बोलती है जो जितना हम काम किए हैं उतना तुमको करना पड़ेगा और फिर यहाँ से जाना होगा, तो ये मान लेती है जो ठीक है करेंगे। और दोस्तों यमुनी सिंह फिर दोस्तों काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों जिसके दौरान दोस्तों यमुनी सिंह का एक मतलब तबीयत खराब हो जाते हैं इस फिल्म में और दोस्तों यमुनी सिंह का इलाज करवाते हैं अंजना सिंह के परिवार वाले एंड दोस्तों इनके ससुराल वाले इनको इलाज करवाते हैं और दोस्तों ठीक ठाक करके फिर दोस्तों इनके पिताजी आते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम दोस्तों यमुनी सिंह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और दोस्तों इसको दोस्तों अपने गलती का एहसास होता है
और फिर दोस्तों यमनी सिंह नहीं जाती है और दोस्तों रहने लगते हैं पूरा परिवार के साथ। और दोस्तों आप लोग को इसी तरह का सीन देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। और बड़े घर की बेटी एक भोजपुरी का सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि दोस्तों आप लोग को जल्दी देखने के लिए यूट्यूब पर मिलेगा, तो आप लोग जरूर से देखेगा इस फिल्म को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।